अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे, खैरियत से। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, और यहाँ होगा मैं इंस्टाग्राम देख के तो फॉलो कर लेना। सो आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ जॉनी डेप वर्सेस एम्बर के जो ट्रायल चल रहा है, जो केस चल रहा है, तो उसका पार्ट टू पर मैं रिएक्ट करने वाला हूँ। सो पहले तो इन भाई साहब ने काफ़ी एक्सप्लेन किया क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, डाइवोर्स तक कैसे बात आ गई। तो इनका ट्रायल देखते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स गेट इनटू इट। 1 2 3 हियर वी गो। तो पहले वाले वीडियो में मैंने केस को एक्सप्लेन किया था, पर आज के वीडियो में मैं ट्रायल को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैंने 10 दिन का ट्रायल देखा, 8-8 घंटे का ट्रायल था, और उनको एक्सप्लेन करूंगा मेन मेन पॉइंट को। तो पहले बात कर लेते हैं एम्बर के एलिगेशंस की। तो एम्बर के लॉयर का सिर्फ एक ही बात कहना है कि ये बंदा जॉनी डेप दारू पीता है, कोकेन लेता है, पिल्स लेता है, और उसके बाद में एम्बर पर एब्यूजिव हरकतें करता है, यानी कि या तो मारता है या फिर गांजा देता है। और उसके बाद में जो एम्बर की लॉयर रहती है, वो जो जूरी आते हैं उनके सामने इमेज बनाने की कोशिश करती है। जूरी क्या होता है, देखो अपने इंडिया में भी ये चलता था, पहले जज होता था और जज के अलावा बाहर के कॉमन लोगों को बुलाया जाता था जूरी के तौर पे, जो कि ग्रुप आता था वो 10 लोगों का भी हो सकता था, 8 लोगों का भी हो सकता था, और उन लोगों को वहां पे बिठा दिया जाता था, और जितना भी केस रहता था वो उन लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता था, और उसके बाद वो उन्हें एक रूम में भेज दिया जाता था अपना जजमेंट पास करने के लिए, और वो लोग जो फैसला लेते थे वो आखिरी फैसला होता था। बट अपने इंडिया में इस सिस्टम को बंद कर दिया गया था, बट अमेरिका में आज भी ये सिस्टम चलता है। तो उन लोगों के सामने ही ये पूरा केस चलता और उनके सामने ही इमेज बनाने की जरूरत है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी बात का फायदा उठाती है एम्बर के लॉयर, और वो एम्बर के बारे में बताती है कि जिनको नहीं पता है इन्होंने 3 फिल्में की है। 3 फिल्मों के बाद में अगर इनके पिताजी की बात करें तो कंस्ट्रक्शन का काम करते थे और गरीब फैमिली से बिलोंग करती, बेसिकली उनकी मॉम की डेथ हो गई थी, और जैसे तैसे करके वो एक ही कपड़ों में हर एक ऑडिशन में जाती थी और ऑडिशन में जाकर अपना ऑडिशन देती थी, पैसे थोड़े बहुत मिल जाते थे रोल से, और ऐसे कर करके वो आज यहाँ तक पहुंची है। तो ये थी एम्बर की बैकग्राउंड हिस्ट्री। अब आते हैं जॉनी डेप के लॉयर के ऊपर, तो वो क्या एलिगेशन लगाते हैं कि सबसे पहला बड़ा एलिगेशन कि एम्बर ने राइट हैंड की ये जो मिडिल फिंगर रहती है इसके ऊपर का जो ये उंगली थी इस पर उन्होंने बॉटल एम्बर ने बॉटल मारी और उससे जॉनी डेप की उंगली टूट गई। दूसरा एलिगेशन लगता है कि आर्टिकल पास किया था, उस आर्टिकल की वजह से जॉनी डेप का करियर खत्म हुआ। और तीसरा एलिगेशन लगता है कि एम्बर ने जॉनी डेप को मारा। तो इन्हीं 3 पॉइंट्स को आज मैं कवर करने वाला हूं, और थोड़ा सा मैं बताने वाला हूं कि जो मैंने ट्रायल के 10 दिन के ट्रायल में देखा था वो मैंने क्या क्या नोटिस करा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में आती है 21 मई 2016, जहां पे एम्बर ने पुलिस को बोला था कि जॉनी डेप ने मुझे मारा, पंच मारा, और उसी पर ये पूरा का पूरा केस बेस करता। तो उसके बारे में मैं काफी डिटेल में आज बात करने वाला हूं, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला। तो सबसे पहले जिसे बुलाया जाता वो रहती है जॉनी डेप के सिस्टर, और साथ ही साथ एक पर्सनल मैनेजर भी वो रहती है, और ये आकर बताती है कि जॉनी डेप और एम्बर सबसे पहले मिले थे रम डायरी के ऊपर। रम डायरी क्या है, तो 2011 में एक मूवी आई थी जिसे प्रोड्यूस जॉनी डेप की फैमिली ने ही करा, तो 2009 और 2010 के बीच में इसकी शूटिंग चली थी और उन्हें एक एक्ट्रेस की जरूरत थी, तो वहां पे एम्बर को अपॉइंट किया गया था, एम्बर को बुलाया गया था, और एम्बर से कहीं ना कहीं जॉनी डेप को लगाव हो गया। 2013 में इन्होंने ओपन स्टेटमेंट दे दिया डेटिंग का, और 2015 में आकर इन्होंने शादी कर ली, और 17 में आते आते इनका डिवोर्स हो गया था। तो ये पूरी बात बताई जाती है। उसके बाद में जो एम्बर के लॉयर आती है वो खड़ी होकर, इनका लॉयर का एक ही काम है, मैं इनका फॉर्मेट तुम्हें समझा देता हूँ, ये जब भी खड़े होंगे ना ये एक ही बात कहते हैं, ये जो आपने जीमेल पे, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट कौन सा प्रोवाइड करता है, जीमेल वाला, कि देखो आपने चैट की थी, इस चैट में आपने ये बात की थी, वो गर्लफ्रेंड वाली हरकत है। और हर किसी से एक सवाल कॉमन होता है इनका, जॉनी डेप कोकीन लेता था या नहीं लेता था, और वो लोग अपने अपनी राय देते। तो सबसे पहले वो ये सवाल किससे पूछती है, जॉनी डेप की सिस्टर से। अब देखो सिस्टर तो सिस्टर होती है, सिस्टर बोलती है कि हाँ अल्कोहल पीता था, पिल्स लेता था, पर कोकीन नहीं लेता। तो उसी पर वो बताती है कि 2014 में तुमने चैट मारी थी, जीमेल वगैरह पे बातचीत की थी, और उसी पर हमें यहाँ पे आप लिखती हो स्टॉप अल्कोहल, स्टॉप कोक और स्टॉप पिल्स, तो इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे वो बहन का अलग ही पता चलता है कि झूठ बोल रही थी, तो कोक का झूठ बोलती। उसके बाद जो दूसरा डे आता, जॉनी डेप का फ्रेंड आता, उस फ्रेंड से भी यही सेम सवाल पूछते, कोई खास नहीं, बस यही सवाल, क्या जॉनी डेप मारते थे। तो वो बंदा बोलता है कि नहीं नहीं मारते थे, मैंने उनको कभी लड़ते हुए देखा नहीं है, मतलब नॉर्मली ऊपर नीचे हो जाया करता था, बट कभी मारते हुए तो मैंने देखा नहीं, ना गाली देते हुए देखा। तो बोलते थे क्या कभी ड्रग्स लेते हुए देखा आपने जॉनी डेप को, तो वो कहता हाँ मैंने देखा है। तो वो बंदा सच बोलता और हाँ लेता है तो लेता। तो जॉनी डेप के ड्रग्स लेने वाली बात पे हर कोई जज करना, बिल्कुल जज कर सकते हैं, मैं कोई मना नहीं कर रहा हूँ, बट देखो क्या है ना, जॉनी डेप ने अपने डॉक्टर किम्बर, ऐसा कुछ नाम है उस डॉक्टर का, उससे बातचीत करी, और उसके बाद में
उन्होंने रिहैब गए थे और उन्होंने अब की तारीख में, अभी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने ड्रग्स छोड़ दिया है, काफी टाइम से वो ड्रग्स नहीं लिए। अब सबसे पहले बात करते हैं एम्बर के लॉयर जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह दिखाते हैं, उस चैट वगैरह में बातचीत होती है और उसमें एक ही चीज दिखाते हैं, वो रिकॉर्डिंग्स की अगर मैं बात करूं तो वो एम्बर की तरफ से रिकॉर्ड की गई। एम्बर ने अपने मोबाइल से फोन वगैरह से रिकॉर्ड किया है धीरे से और उसमें वो अपना साइड दिखाई दी। ऑफकोर्स ये तो कॉमन सी बात है, कोई अपनी रिकॉर्डिंग में अपने आप को विलन थोड़ी दिखाएगा, तो वो अपने आप को दिखाती जहां पे जितना जॉनी डिप को गालियां वगैरह देते हुए हम सुनते हैं कि वो एम्बर को गाली दे रहा है, चीजों को गाली दे। मेरा ये मानना है, मैंने ये 10 दिन के ट्रायल में ये नोटिस करा कि जो बंदा है ना जॉनी, वो मार नहीं सकता दारू पीने के बाद, बट वो दारू पीकर गालियां जरूर देता है, चिल्लाता जरूर है, इस बात को मैं एक्सेप्ट कर। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पे, वो फिंगर वाली। तो फिंगर वाली बात जितनी जिन लोगों को नहीं पता, जो जॉनी डिप की मिडिल फिंगर थी वो ऊपर का हिस्सा पूरा टूट चुका था, पूरा का पूरा निकल चुका था। अब कैसे निकला था तो एम्बर का पॉइंट ऑफ व्यू जान लेते। तो एम्बर का ये कहना है कि जॉनी डिप ने दारू के नशे में खुद की उंगली काट, लेफ्ट हैंड से वो राइट हैंड की मिडिल फिंगर काट रहा है, ठीक है, ये बात उन्होंने कही। उसके बाद में जॉनी डिप का कहना है कि एम्बर ने, जब मैं बार पे ऐसा बैठा था ऐसे हाथ रख के, तो एम्बर ने पहली बॉटल फेंकी वोडका की जो यहाँ से निकल गई, दूसरी बॉटल जो थी ना वो ऐसे मैंने हाथ रख रखा था और डायरेक्ट वो वोडका की बॉटल मेरी उंगली पर आई और यहाँ पे मेरी उंगली निकल गई। उसके बाद में मैं नशे में था तो मैंने कुछ भी महसूस नहीं किया था, मतलब पेन तो महसूस ही नहीं हो रहा था, और नशे में शायद ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम होता होगा, नो पर्सनल एक्सपीरियंस। उसके बाद में वो बंदा बोलता है कि वहां पे मैंने पेंट लिया और पेंट के बाद में कांच के ऊपर मैंने लिख दिया और काफी कुछ उन्होंने लिखा था और फोटो को पब्लिश भी किया था, तो ये बात उन्होंने कही। उसके बाद में इनका एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है वो वहां पे आ गया था और उसके बाद में उन्होंने डॉक्टर को बुला लिया था, डॉक्टर किम्बर को, और उसके बाद में वहां पे एक हाउस कीपर आता है जो कि जितने भी पेंट हाउस है ना जॉनी डिप के पास उन सबको मैनेज करने का काम करता, सिर्फ एक बंदा, वो बंदा भी उस टाइम पे वहां पे एंट्री मारता, अंदर आता। अंदर आने के बाद में उस बंदे का स्टेटमेंट रहता है कि मेरे को जॉनी डेप को मैंने पूरा समझा, और उसके बाद में वो नीचे की साइड गया बार के पास में और वहां से हैंकी वगैरह या फिर पेपर वगैरह में वो जो मिडिल, ये जो फिंगर ऊपर का हिस्सा था उसे उठा कर लाया। तब उससे पूछा जाता है कि आपने जब बार के नीचे गए थे तब वहां पे आपने क्या क्या देखा, तो बोले मैंने देखा कि कांच टूटे हुए पड़े, बहुत सारे कांच वहां पे बिखरे हुए थे और वहीं कहीं खून 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 बहुत सारा खून था, और जो ये टेबल आता है कांच का टेबल आता है वो भी टूटा हुआ। तो मुझे एम्बर वाला लॉजिक समझ में नहीं आता कि कोई बंदा अगर अपनी उंगली काटेगा तो वो क्या वोडका की बॉटल पहले नीचे फेंकेगा और उसके बाद में उंगली काटेगा, ये थोड़ा सा लॉजिक के मामले में इतना सेटिस्फाई नहीं लगता। बट अगर बात करें उसी के अपोजिट में जॉनी डेप के, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि बॉटल दो आकर गिरी थी, दूसरी बॉटल उंगली के ऊपर। उसके बाद में डॉक्टर से जब पूछा जाता है कि क्या हुआ था, तो जॉनी डेप ने टाइम पे स्टेटमेंट दिया था कि मैंने खुद ने कर लिया, क्योंकि वो अपनी वाइफ का नाम लेना नहीं चाहते थे। और उसके बाद में जॉनी डेप से या दूसरों से पूछा जाता है कि एम्बर का क्या रिएक्शन था, तब वो कहता कि नहीं, वो सिर्फ खड़ी थी और चिल्ला रही थी, तो अगर कोई बंदा अपनी उंगली काटेगा तो उसकी वाइफ उस पर चिल्लाएगी, कोई सेंस भी नहीं बनता इसका। ये हो गया। अब दूसरा आता है पंच वाला कि जॉनी डेप ने एम्बर को मारा और जॉनी डेप का कहना है कि एम्बर ने, तो वहां पे बहुत ही आयरोनिकली भाई साहब ने थोड़ी सी समझदारी दिखाई, इन्होंने की एक रिकॉर्डिंग और उस रिकॉर्डिंग में सुनने को मिलता है एम्बर कहती है कि मैं तुम्हें मार नहीं रही थी, मैं सिर्फ तुम्हें पुश कर रही थी, यानी कि हिट कर रही थी, पंच नहीं मार रही थी, वो ये बात कहती है। और उसके बाद में वो आगे का स्टेटमेंट देती है कि हाँ जाओ दुनिया को बता दो, ये थोड़ा मेरा ज्यादा लाउड हो गया, बट जो एम्बर ने बोला था वो थोड़ा सा डिसेंट वे में बोला था कि हाँ जाओ दुनिया को बता दो कि तुम विक्टिम हो, तुम्हारी बीवी तुम्हें मारती है, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे साथ वायलेंस किया। ये पूरी रिकॉर्डिंग में वहां पे सुनने को मिलता है, जो कि एम्बर ने नहीं की थी इस बार, ये शायद या तो वो थर्ड पर्सन ने की थी या जॉनी डेप ने की, तो ये स्टेटमेंट वहां पे निकल कर आता है। तो ये जो पंच वाली बात है, इस बात को एम्बर खुद एक्सेप्ट कर कि उसने मारा, बट वो उंगली वाली बात एक्सेप्ट नहीं कर रही क्योंकि उस टाइम पे उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ देखो जॉनी डेप क्या करता था, बताता है वो कि जब भी एम्बर मुझसे लड़ती थी तो मैं क्या करता था, बाथरूम में चला जाता था, अपने आप को लॉक कर लेता था। इस बात पे कितनी सच्चाई है दूसरों ने भी कंफर्म कर दिया, तो ये बात सच थी कि वो उस सिचुएशन पे, उस लड़ाई वाली सिचुएशन पे वॉकआउट हो जाता था। जैसे आप दो बंदे लड़ रहे हैं तो अब उसे नहीं लग रहा है तो वो वहां से चला जाता था, बाथरूम में अपने आप को बंद कर लेता था, वहां के टाइल्स पे सोता था, उसकी बीवी उसको मारती थी। यार इतना सब सुनने के बाद में कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बोलता है कि न्यूट्रल रहे, अरे न्यूट्रल कैसे रह सकते हैं यार इतना सब सुनने के बाद। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है 21 मई 2016, तो उस दिन क्या हुआ था, तो उस दिन हुआ था एम्बर का स्टेटमेंट बताता हूँ पहले। एम्बर का कहना है कि 21 मई की शाम को 7 बजे के बाद में जॉनी अपार्टमेंट यानी कि पेंट हाउस नंबर 3 के अंदर आया, उसके बाद में उसने मुझे पंच मारा, पंच मारने के बाद में वो चला गया, उसके बाद में मैंने दो पुलिस वालों को बुलाया, उसके बाद में मैंने दो पुलिस वालों को और बुलाया,
ये 21 मई की रात की थी। उसके बाद में 23 मई को वो यहाँ पे निशान लेकर, जो कि तुम फोटो के अंदर देख सकते हो, उस निशान को लेकर एम्बर कहाँ पहुंची, कोर्ट के अंदर, और जॉनी के अगेंस्ट में ये फाइल पेटिशन की उसने कि यस इस बंदे ने मुझे मारा है, मैं इससे डिवोर्स चाहती हूँ और साथ ही साथ कंपनसेशन पैसा भी चाहती हूँ। और उसी के अपोजिट में अगर जॉनी की बात करें तो जॉनी 21 की रात को सिटी को छोड़कर चला गया था, क्यों? क्योंकि उसको कॉन्सर्ट करना था, एक बैंड से ज्वाइन है, तो उसी के चक्कर में वो यूरोप का पूरा टूर मारना था उनको, और उन्होंने 21 मई को छोड़ा। और उसके बाद में 27 मई को जैसे ही उन्हें न्यूज पता चली कि हाँ ये सब गुड़ गोबर हो चुका है, तो उन्होंने अपना टूर कैंसिल किया और कोर्ट की तैयारी के लिए वापस से पहुंच गए अपने सिटी के अंदर। तो ये हुआ था इतना सब। एक्चुअली मैं वहां पे क्या हुआ था उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पुलिस वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों? क्योंकि पुलिस वाले ही एक ऐसी कड़ी है जो ना जॉनी के हैं ना एम्बर के, ये एकदम न्यूट्रल लोग हैं। तो वो कब पहुंचे? वो पहुंचे जॉनी ने लेफ्ट किया था 8:28 पर, जॉनी अपने दोस्तों के साथ चला गया। उसके बाद में जो टाइम आता 8:57 उसमें दो पुलिस वाले लिफ्ट के अंदर घुसे। उसके बाद में पेंट हाउस 3 तक पहुंचते पहुंचते उन्हें 9:04 हो गई। 9:04 के बाद वो अंदर घुसे और 9:19 पर वो बाहर निकल गए, यानी कि वो टोटल अंदर 15 मिनट तक रुके थे। 15 मिनट रुकने के बाद में वो बाहर आते और जब उनसे पूछा जाता कि क्या आपने एम्बर को या वहां पे कोई प्रॉपर्टी डैमेज देखी थी, तो उनका स्टेटमेंट, न्यूट्रल लोगों का स्टेटमेंट क्या होता कि नहीं, हमने वहां पे कोई प्रॉपर्टी डैमेज नहीं देखी, यानी कि वहां पे कोई भी लड़ाई नहीं हुई थी, इवन एम्बर के चेहरे के ऊपर भी हमने कोई निशान नहीं देखे। ऐसा एम्बर के चेहरे को देखकर नहीं लग रहा था कि उन्हें कोई पंच पड़ा है मुंह के ऊपर, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। उसके बाद में एम्बर ने क्या किया, एम्बर ने दोबारा पुलिस को कॉल किया। कब कॉल किया? 10:28 पर, जब दो मेल पुलिस वाले फिर से लिफ्ट में घुसे, फिर से एम्बर के रूम के अंदर गए। उनके पास में कैमरा भी लगा हुआ था जिससे हम रूम के अंदर की पूरी लोकेशन देख सकते हैं। तो वो अंदर घुसे थे और उनका भी सेम स्टेटमेंट था कि बोले पहली बात तो एम्बर कोऑपरेट नहीं कर रही थी, उसके बाद में एम्बर के चेहरे को देखकर हमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा ना प्रॉपर्टी का लगा। और दो दिन बाद में एम्बर के चेहरे पर निशान आ गया, पता नहीं कैसे आया। लॉयर जो थी एम्बर की, वो अपने प्रोटेक्शन में आकर कहती कि एक बात बताओ, आपके इस पे कैमरा लगा है तो आप बता सकते हो कि रूम के अंदर बहुत अंधेरा था? बोले हाँ अंधेरा था। बोले आप एम्बर को पहचान गए? बोले हाँ पहचान गए। तो बोले जब उसको आपने पहचाना, इतने अंधेरे में आपने कैसे देखा कि उसको निशान है? गए यहाँ पे एम्बर के लॉयर का बेसिकली ये कहना है कि जो चार पुलिस वाले दो दो बार में गए वो शायद झूठे हो सकते हैं, क्योंकि एम्बर, मैं बताता हूँ एम्बर ने क्या किया। पहली बार में जो कंप्लेंट की थी उसको एक्सपेक्ट नहीं था कि पुलिस वाले इतनी जल्दी आ जाएंगे, और उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की थी। पर दूसरे टाइम में उन्होंने प्रिपरेशन थोड़ी बहुत कर ली थी, तो उन्होंने दोबारा पुलिस वालों को फोन किया था। अब एक्चुअली में उस दिन क्या हुआ था वो हम जॉनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। तो हम बात करेंगे 21 मई से पहले की, यानी कि डायरेक्ट चलते 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को फर्स्ट टाइम जॉनी ने, मतलब बर्थडे चल रहा था एम्बर का बर्थडे के चक्कर में जो जॉनी था उसी दिन उसी घर के अंदर एक मीटिंग में बैठा हुआ था, क्योंकि जॉनी की जो फाइनेंशियल हालत थी वो बिगड़ चुकी थी। तो जॉनी ने अपनी मीटिंग बुलाई थी, तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड वाइफ को कॉल कर दिया एम्बर को, बोले थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा। तो उसकी वाइफ बोलती कोई बात नहीं, बस आते वक्त वीड वाइन होती है वो लेते हुए आ जाना। तो वो बोलता ठीक है। उसके बाद में जॉनी 1-2 घंटे बाद फ्री हुआ, सेम उसने वाइन ली और वीड लियो चला गया। उसके बाद में उस पार्टी के अंदर उसका थोड़ा सा एम्बर से झगड़ा हुआ और उसने 30 अप्रैल को घर छोड़ा, और उसके बाद में वो अपने दूसरे पेंट हाउस में रहने लग गया। अब जो एम्बर रह रही थी वो पेंट हाउस नंबर 3 के अंदर रह रही थी। तो जो जॉनी था उसका क्या था, उसको टूर करना था यूरोप का, तो उसने सोचा कि यार मेरे को पेंट हाउस से सामान चाहिए तो मैं चला जाता हूँ। और उसके लिए वो अपने दोस्त के पास में गया, तो उसके दोस्त ने उसको एक फोटो दिखाई कि बोले ये देख फोटो, ये हो रहा है तेरे पेंट हाउस 3 में। अब उस फोटो में क्या था, तो देखो क्या होता है ना, अमीर लोगों का एक सेटअप होता है, बोले मैं राइट साइड सोऊंगा तो मैं राइट साइड सोऊंगा, मैं लेफ्ट साइड सोऊंगी तो मैं लेफ्ट साइड, ऐसा एक सोने का तरीका होता है। सोने का तरीका इन द सेंस कि बेड के ऊपर वो अपनी अपनी पोजीशन डिसाइड कर लेते हैं। जो जॉनी डेक की पोजीशन थी ना बेड पे सोने की, उस साइड में इंसान की टट्टी पड़ी हुई, यानी कि लेटरिंग। अब जॉनी डिप ने उस फोटो को देखा, पहले वो हंसा, उसके बाद में उसने गौर फरमाया कि बोले कहीं कुत्तों की तो नहीं है, क्योंकि उनके घर के अंदर कुत्ते भी थे। तो उन्होंने उस पर देखा गौर से, तो उन्हें समझ में आ गया कि कुत्तों की टट्टी तो हो नहीं सकती, और कुत्ते क्या बोलते इतने मैनरलेस तो नहीं है कि यहाँ पे हंस के जाएंगे। तो उन्हें लगा इंसान ने यहाँ पे करी है, और उसकी फोटो भी ली गई है। तो उसे हंसी आ गई, पर ही इज लाइक चलो कंट्रोल माय सेल्फ। उसके बाद में आती 20 मई, जिस दिन उनकी मॉम की डेथ हो गई, उनकी मॉम शांत हो गई। फिर 21 को जो एम्बर थी उसने सामने से कॉल करके बोला कि जॉनी मुझे कुछ बात करनी, तुम आ सकते हो क्या? अब जॉनी वहां पे पहुंचा पेंट हाउस नंबर 3 पे। पहुंचने से पहले जॉनी ने अपने दो, एक बॉडीगार्ड और एक जज जूडी नाम का एक बंदा है जो उसका दोस्त है, उन दोनों को साथ में लेके गया।
अब गेट के बाहर उसने खड़ा कर दिया उन दोनों को, बोले तुम खड़े रहना, कुछ भी हो तो मेरे को बचाने के लिए अंदर आ जाना। बोले ठीक है। अब जॉनी अंदर गया, अब उनके रूम के अंदर जो पुलिस वालों की वीडियो में हमने देखा था, तो फ्रिज यहाँ पे थी और वो सोफा इतना लंबा था, सोफा काफी बड़ा था। एक साइड में बैठी हुई कौन थी? एम्बर। दूसरी साइड में कौन? जॉनी बैठा हुआ। इनके बीच में यही बातचीत हुई कि टट्टी वहां पे कर क्या रही थी बिस्तर के ऊपर, तो वो एक्सक्यूज देती, बोले कुत्ते की थी, इटीसी। उनकी काफी देर तक बात चली, उसके बाद में जॉनी खड़ा हुआ और वो फ्रिज की तरफ गया, बोले पानी पी लेता हूँ। पानी के लिए जैसे उसने फ्रिज खोला, इतने में रॉकी नाम का बंदा उस पूरे घर के अंदर से कहीं से दौड़ते हुए आता और बोलता जॉनी उसको मत मारो, जॉनी उसको मत मारो। इतने में जो एम्बर थी वो भी चिल्लाने लगे कि जॉनी मुझे मत मारो, जबकि वो बंदा फ्रिज के पास में खड़ा 20 फीट की दूरी पे। इतने में दौड़ कर अंदर कौन घुसे? उसके दोनों दोस्त, जॉनी के दोनों दोस्त अंदर घुसे और उनने देखा कि जॉनी दूर। उसके बाद में उसने जॉनी को, उसके दोस्तों ने जॉनी को लिया, बोले चल। फिर वो लेकर चले गए और जॉनी अपने टूर पे निकल गया। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कहीं ना कहीं एम्बर का ये प्री प्लान था, बोले जॉनी को टट्टी वाली चीज पे गुस्सा दिलाएंगे, जैसे उसका गुस्सा आएगा वो यहाँ पे बात करने के लिए आएगा, बट वो काफी दिन तक बात करने के लिए नहीं आया, तो उसने सामने से कॉल करा उसको कि तू आ। जब वो वहां पहुंचा तो उसको गुस्सा दिलाकर मार खाने या मारने की सोच रही थी और रॉकी को तैयार रखा, बोले कुछ भी हो तू आ जाना बचाने के लिए। और फिर उसने पूरा प्लान कर लिया था कि डिवोर्स की फाइल ऐसे पेटिशन करनी है ताकि रिटर्न में उसको 7 मिलियन पैसा मिला। 7 मिलियन को इंडियन करेंसी में कैलकुलेट कर लेना, डिवोर्स होने के बाद में लड़की को 7 मिलियन मिले थे। और उसमें से उसने पता है क्या स्टेटमेंट दिया पहले, कि ये जो जॉनी से मुझे पैसा मिलने वाला ना, ये मैं डोनेट कर दूंगी, यानी कि दान दे दूंगी। बट बाद में जब लॉयर वगैरह ने पता करने की कोशिश की, तब पता चला कि इसने कुछ भी डोनेट नहीं किया, सब पैसा रख लिया। तो जितनों ने से भी स्टेटमेंट लिया गया, सबका ये कहना कि निशान नहीं देखा, बाद में निशान आ जाता है। सबका ये कहना कि जॉनी पीने के बाद में भी नॉर्मल रहता है, वो आज तक हमने उसे कभी एम्बर को मारते हुए नहीं देखा। ये तो गुत्थी हो गई 21 मई की। अब आते हैं इलॉन मस्क वाली गुत्थी पर। तो इलॉन मस्क का और इनका चक्कर कब शुरू हुआ, उसको जानने से पहले हमको पता करना होगा जॉनी डीप से पहले इसका बॉयफ्रेंड कौन था। तो जॉनी डीप को मूवी मिलने से पहले, जॉनी डीप को मिलने से पहले उसका एक अननोन बंदा था, वो उसका बॉयफ्रेंड था। उसके बाद में जॉनी डीप ने खुद की मूवी बनाई थी रम डायरी, उसमें इस बंदी को अपॉइंट किया था एज ए एक्ट्रेस, ये बंदी आई। उसके बाद में जॉनी ने 2009 में और 2010 में दोनों ने मूवी की शूटिंग की, दोनों को प्यार हुआ, 11 में मूवी रिलीज हुई, 13 में इन्होंने अपनी बीवी को डिवोर्स देकर पब्लिकली अनाउंस कर दिया, बोले आई एम इन रिलेशन विद एम्बर। 2015 में इन्होंने एम्बर से शादी कर ली थी। अब अगर उसी के बीच में बात करें, मशीन किल नाम की एक मूवी आई थी एम्बर की दूसरी फिल्म, उस मूवी के अंदर इलॉन मस्क का केमियो था। इलॉन मस्क की उस मूवी की स्टोरी लाइन ये थी कि स्पेसशिप के अंदर मेन हीरो को बिठाया जाता और भेजा जाता, वो जो स्पेसशिप यूज करी गई थी उसका नाम था स्पेस एक्स और इलॉन मस्क की कंपनी है ये। तो इलॉन मस्क का केमियो हुआ था, उसी पर एम्बर उनसे मिली और दोनों का फिर से वहां से चक्कर शुरू हो गया। जैसे इनका डाइवोर्स हुआ था, ये बात फिर पब्लिकली बाहर आ गई थी कि हाँ इलॉन मस्क के साथ में एम्बर का कुछ ना कुछ चल रहा है। उसके बाद में उसने एक्वामैन 2 की थी, तो शायद उसमें भी उसका कोई ना कोई रिलेशन आ सकता था, बट बाहर नहीं आया। तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि वो अपने बॉयफ्रेंड पैसों के लिए बनाती है। जॉनी डेप का फ्रेंड आया था डे 2 के ट्रायल, और वो बंदा भी क्या है, उसका क्या था, वो पेंटिंग्स बेचता था और जॉनी ने अपना खुद का फ्री में उसको अपार्टमेंट दे दिया, बोले यहाँ पे तू रह, पैसे वैसे मेरे को मत दे। तो वो वहां पे रहता था, तो क्या था, यहाँ पे रहती थी एम्बर और वो यहाँ पे रहता था ऊपर वाली मंजिल पे, तो दोनों का कनेक्शन बैठ जाता था एक ही बिल्डिंग में। तो एक दिन उसने देखा इलॉन मस्क को लिफ्ट के अंदर जा रहा था इलॉन और ये ऊपर जा रहा था। उसके बाद में दूसरी बार इसने बालकनी में से खड़े खड़े देखा था कि इलॉन मस्क एम्बर की बालकनी में चल रहा है और अंदर की साइड जा रहा। तो दो बार इसने इलॉन मस्क को देखा था और इलॉन मस्क का मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि इन्होंने थ्रीसम किया था। और इलॉन मस्क अभी एम्बर को बचाने के लिए क्यों नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि बंदे की इमेज है, बंदे को पता है ये बंदी बहुत गंदी तरीके से फंस चुकी है, इसीलिए वो बंदा दूर है, यही उसमें समझता है। अब ये तो सब बात हो गई, इसके बाद में आती है डॉक्टर, साइकोलॉजिकल डॉक्टर, यानी कि जो लोगों के बिहेवियर को पढ़ती है ना, वो कहीं ना कहीं एम्बर का इलाज कर रही थी जॉनी डीप के कहने पर। और उस बंदी का ये कहना है कि इस बंदी के अंदर 2 स्प्लिट पर्सनैलिटी की बीमारी है, डिसऑर्डर है। और स्प्लिट पर्सनैलिटी क्या होता है कि एक इंसान के अंदर 2 बिहेवियर, यानी कि एम्बर के अंदर क्या है, एम्बर को अटेंशन चाहिए, वो मेकअप करती है और उसके बाद में वो चाहती है मुझे अटेंशन मिले। दूसरी बात, उसको गुस्सा जल्दी आता है और वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और तीसरी बात उसने क्या नोटिस करी कि जो एम्बर है ना,
वो जॉनी के अगेंस्ट में फॉल्स एलिगेशंस लगा रही है कि जॉनी मुझे मारता है। अब उसने अपने सारे दोस्तों को सबको बोल रखा है कि जॉनी मुझे मारता है, सबने यकीन कर लिया। बट जब उसने साइकोलॉजिकल डॉक्टर को बताया तो वो डॉक्टर ऑलरेडी ह्यूमन बिहेवियर पर स्टडी कर चुकी है, 15 साल का उसका एक्सपीरियंस और 10 साल का उसका लाइसेंस है। तो उस बंदी को ये ऐसी झूठ बात बताएगी, तो उसने जल्दी से उसको पकड़ लिया और ये बात जॉनी को बता दी, बोले ऐसी ऐसी बात है। तो वो यहाँ पर दवाई देने आती है और वो जब ये बात बताती है तो मैं खुद शॉक में चला गया। बट इसकी डिटेल अपन कभी और ज्यादा जाएंगे। तो ये था ये पूरे का पूरे डिटेल, क्योंकि वीडियो काफी लंबा बन चुका है तो ज्यादा पॉइंट्स तो कवर नहीं कर पा रहा हूं। बट जितने कर रहा हूं ये खास खास पॉइंट्स हैं 10 दिन के ट्रायल में। अभी ट्रायल शायद 20 या 15 दिन और चलने वाला है। तो तुम अगर आगे के वीडियोस और देखना चाहते हो तो इस वीडियो के ऊपर 6000 लाइक्स आ जाने चाहिए तो मैं आगे का वीडियो ले आऊंगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि तुम्हें मूवीज से रिलेटेड वीडियोस तो कंफर्म मिलते रहेंगे, जिससे अपन रिव्यू करते रहेंगे। और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर रखना। पहली बात तो ये है कि ये बंदा काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा है, 10-10 घंटे की वीडियो देख रहा है ताकि हमें एक्सप्लेन कर सके इन शॉर्ट में। सो पहले तो इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि काफ़ी अंबर को तो अभी देखा है मैंने, गोल्ड डिगर है। पहले पैसे की खातिर मेरे ख्याल में जॉनी डेप को इन्होंने ना वो रिलेशन पे आई है, देन उसके बाद उसको पता चला कि इसका तो दिवालिया निकलने वाला है, मैंने उसके बाद कुछ बचा नहीं है। तो फिर इसने कहा कि सोचा होगा कि चलो ठीक है अभी कोई और ढूंढते, तो डाइवोर्स ले लिया होगा, पैसे भी ले लिए, तो एलन मस्क जो भी है उसके पीछे यू नो पड़ गई, शायद वो रिलेशन में भी होंगे क्योंकि हिडन है, अभी तक तो कुछ खास पता नहीं चला। सो बाकी आप लोग ही जानते बेहतर तो आप लोग ये वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।